मैं हूँ यानिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैंने देखा एकदम से चैनल पे जाकर तो मैं शॉक हो गया था कि बाप रे मेरे इतने सारे 19 सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए। तो थैंक्स टू यू ऑल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और थैंक्स फॉर गिविंग मी 19 सब्सक्राइबर्स। ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों को समझाने की द प्लांट सिस्टम। और आज मेरे साथ मैं असिस्टेंट रोज प्लांट है हमारा खूबसूरत रोज प्लांट। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ इस प्लांट सिस्टम के बारे में तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। तो प्लांट्स के दो मेन पार्ट होते हैं, तो यहाँ वाला नीचे वाला है रूट सिस्टम और ऊपर वाला है शूट सिस्टम। तो यहाँ पे रूट सिस्टम के पास पहले होते हैं। तो गाइस ये है एक स्पिनेश का छोटा सा प्लांट और इसकी हेल्प से मैं आपको रूट सिस्टम दिखा रहा हूँ। तो ये देखो बड़ा, ये है स्पिनेश की रूट। हर रूट सेम तो नहीं होती है पर वो फंक्शन सेम करती है। तो आइए हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्लांट के नीचे वाला पार्ट रूट, और यही रूट प्लांट को पकड़ के रखती है और उसे गिरने नहीं देती है। लेकिन अभी अगर रूट निकल गई तो प्लांट जैसे तैसे गिर सकता है। तो ये पहला फंक्शन हुआ रूट का, फिक्सेशन। तो इसमें क्या होता है रूट प्लांट को पकड़ के रखती है, जैसे कि मैंने पहले बोला था रूट प्लांट को पकड़ के रखती है नीचे ग्राउंड से ताकि वो गिरे ना और ग्रो होए। और रूट का सेकंड फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली रूट नीचे होती है ना ग्राउंड के, तो नीचे से पानी इकट्ठा करती है क्योंकि ग्राउंड के नीचे ही पानी होता है, तो वो पानी इकट्ठा करके प्लांट को देती है जिससे प्लांट खाना बनाता है। तो गाइस प्लांट का रूट का थर्ड फंक्शन है स्टोरेज। तो उसमें क्या होता है रूट खुद प्लांट एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है, मतलब वो पूरा फूड बना लेता है और उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड बन जाता है। तो वो कभी कभी उस एक्स्ट्रा फूड को रूट में सेंड कर देता है और उससे फिर नीचे ग्राउंड के नीचे रूट सूखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेट रेडिश एंड बीट रूट। तो ये था थर्ड फंक्शन रूट का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस ये है प्लांट का फोर्थ फंक्शन। और आप सोच रहे होंगे मैंने इस प्लांट को ऐसे क्यों पकड़ा है, वो है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्लड वगैरह की वजह से मिट्टी उखड़ जाती है, लेकिन रूट जो है वो रोक के रखता है उसके नीचे की मिट्टी को, तो उससे मिट्टी और बचती है और फिर और वो रीग्रो होता है प्लांट उसकी वजह से। तो या ये था प्लांट का फोर्थ फंक्शन जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो गाइस अब हम मूव करते हैं शूट सिस्टम पे जो कि सॉइल के ऊपर है। तो ये सब जो भी आपको प्लांट्स के पार्ट दिख रहे हैं वो शूट सिस्टम है वो पूरा। तो लेट अस स्टार्टेड विद द शूट सिस्टम। तो गाइस शूट सिस्टम के पार्ट्स है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स। तो गाइस इसमें फ्रूट और सीड भी है फंक्शंस में, लेकिन वो रोज प्लांट में नहीं होते हैं। तो मैं आपको फ्रूट्स एंड सीड्स दिखाऊंगा टोमेटो प्लांट। तो गाइस ये है टोमेटो और इसके अंदर आपको मिलेंगे सीड्स जो कि मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो अभी के लिए लेट्स लर्न द शूट सिस्टम। तो गाइस स्टेम के अभी मैं दो फंक्शंस आपको बताऊंगा। तो पहला फंक्शन है कि स्टेम ये ब्रांचेस लीव्स वगैरह जो भी आपको दिख रहा है ना वो सब ये स्टेम ही होल्ड कर रही है, और इसलिए स्टेम का ये एक फंक्शन है कि वो प्लांट को होल्ड करके रखती है अपराइट पोजीशन में। और किन किन थोड़े थोड़े प्लांट्स
में स्टेम नहीं होती है, तो वो दूसरी चीजें जो स्टेम जैसी होती है उन्हें पकड़ के ग्रो करते हैं। तो स्टेम इसलिए प्लांट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टेम का दूसरा फंक्शन है कि वो रूट से पानी पहुंचाती है दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट के दूसरे पार्ट के पास। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि रूट पानी लेती है, तो उससे पानी प्लांट्स को ये स्टेम पहुंचाती है। और स्टेम भी कुछ फ्रूट्स बनाती है, जैसे कि प्लांट में कुछ एक्स्ट्रा फूड, स्टेम पे जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है वो जाता है अंडरग्राउंड प्लांट में, जैसे बोलते हैं अंडरग्राउंड ट्यूबर या अंडरग्राउंड स्टेम। तो उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जिंजर। ये जो आपको दिख रहा है वो है स्टेम का अंडरग्राउंड ट्यूबर, जिंजर ट्यूबर या अंडरग्राउंड स्टेम भी आप उसे बोल सकते हो। तो ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है, व्हाइट और पिंक, वो जिंजर है। अब हम फ्रूट सिस्टम के दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि है लीफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लीफ अलग अलग शेप्स की होती है। ये है रोज की लीफ, तो गाइस ये वाली है रोजमेरी की लीव, और ये है जिंजर की लीव, तो ये कॉलीफ्लावर की लीव है। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप की लीव। तो गाइस हमने अभी जो इतनी सारी लीव देखी जिंजर की, रोज वगैरह की, तो उनमें वो अलग अलग शेप्स की थी, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी। क्या आपने नोटिस करी? अगर नोटिस करी है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो वो चीज है कि ये सब लीव ग्रीन होती है। तो ग्रीन वो इसलिए होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। लीव में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, लेकिन वो कैमरे से नहीं दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पे लीव का एक और फंक्शन है। तो स्टेम वाटर, स्टेम और लीव की वेन्स लीव तक वाटर कैरी करती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स और क्लोरोफिल। तो इन सब को यूज करके फिर लीव खाने को प्रिपेयर करती है, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो गाइस यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो अपनी लीफ में फूड स्टोर करते हैं, ये लीफ में। तो उन फूड्स का एग्जांपल है स्पिनच। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट सिस्टम, विच इज द फ्लावर। ये जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो वो है स्टॉक और ये है स्टेम। तो फ्लावर स्टेम से अटैच होता है स्टॉक की वजह से। ये ग्रीन जो लीफ जैसा है ना स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सेपल। है जो पिंक है वो है सेपल्स, पेटल्स। तो ये सबसे कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं एक प्लांट के। ये जो पेटल्स हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, ये जो पिंक दिख रहे हैं ना आपको, वो है स्टेमिन। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप बोलते हो स्टेमिन, और यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम उन्हें उसे बोलते हैं पिस्टन। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लावर। तो पहला फंक्शन है फ्लावर एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो होता है नेक्टर, और वो बीज को अट्रैक्ट करता है, बीज नहीं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट्स नेक्टर में कुछ सीड्स चिपके रहते हैं जिनका नाम होता है पोलन ग्रेन्स, और वो जब इंसेक्ट्स नेक्टर को पीती है तो उनके पैर में कुछ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और फिर जब वो उड़ के जाती है इंसेक्ट्स तो उनके पैर से नीचे गिरते हैं वो पोलन ग्रेन्स, और इस तरीके से ये हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए। मतलब कुछ प्लांट्स अपने फ्लावर्स में खाना स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर। गाइस
नेक्स्ट पार्ट हमारा है फ्रूट। फ्रूट फ्लावर से बनते हैं और फ्रूट्स दो टाइप की क्लासेस के होते हैं, नॉन एडिबल और एडिबल। तो एडिबल फ्रूट्स जो है वो हम खा सकते हैं और नॉन एडिबल जो है हम उन्हें नहीं खा सकते। तो नहीं खाने वाले फ्रूट है फॉक्स ग्लव और धतूरा, और जो हम खा सकते हैं वो है बनाना और एप्पल। एडिबल फ्रूट्स में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोमेटो का, एक टोमेटो का फ्रूट है। गाइस अभी मैं आपको टमाटर के सीड्स दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसे साइड, इसके साइड में पार्ट है वो है सीड्स। सीड्स फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहती है, और जब हम फ्रूट खाते हैं तो हम सीड्स को वही मिट्टी वगैरह में फेंक देते हैं। जरूरी नहीं है हम मिट्टी में फेंके, लेकिन कभी कभी तो वैसे जब वो मिट्टी में फेंक जाती है तो रेन और वगैरह होती है तो उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, और फिर जैसे ही उसे पानी वगैरह मिलता है वो फिर से दूसरे प्लांट में ग्रो होते जाती है। इट सिंपली मीन्स कि सीड से हमें नया प्लांट मिलता है। तो गाइस आज के लिए मेरे प्लांट सिस्टम में इतना ही। मैं थैंक करता हूँ मेरी मम्मी को, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा गार्डन यूज करने दिए। और कल मैं दो नई वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तो अगर आप उन्हें मिस करना नहीं चाहते तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि एक वीडियो है गेम की और दूसरी वीडियो है वाटर साइकिल की। तो अगर आप उन्हें मिस करना नहीं चाहते हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।